लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी युवा मोर्चा के नई मुंबई जिलाध्यक्ष दत्ता गंगाले के आवास पर मंगल मूर्ति श्री गणेश विराजमान हो गए हैं। पर्यावरण सुरक्षा और कोरोना निवारक नियमों का पूरा ख्याल रखते हुए यहाँ इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमा की स्थापना की गई है। लगातार 7 सालों से मंगल मूर्ति की स्थापना करते आ रहे युवा नेता दत्ता गंगाले और समाज सेविका अश्विनी गंगाले ने विश्वास जताया कि विघ्नहर्ता श्री गणेश इस बार कोरोना का संकट हरेंगे और सबको खुशहाली भी प्रदान करेंगे। देखिए रिपोर्ट। गणपति की स्थापना ये हमारा 7वां साल है और गणपति की आस्था सिर्फ मई नहीं तो पूरा देश है, विदेश है, पूरे विश्व में गणपति की आस्था है। इंडोनेशिया की तो करेंसी पे गणपति जी विराजमान है और उनके आस्था रखने का कारण उनके नाम में ही विघ्न हरता है। जो अपने ऊपर विघ्न आता है उसको दूर करने का काम गणेश जी करते हैं और इस टाइम पे पूरे विश्व पे कोरोना का विघ्न है उसको दूर करने का काम भगवान श्री गणेश करेंगे। ये आस्था से इस साल का गए साल का गणेश उत्सव हम मना रहे हैं और यही कामना करते हैं कि जल्द से जल्द ये विश्व में ये जो महामारी चल रही है जल्द से जल्द दूर हो जाए और पूरा मानव जाति मानव परिवार है वो एक सुखी और राहत भरी सांस ले सके। और सबको नई मुंबई की जनता को मैं यही अपील करूँगा कि कोरोना है सब संभल के अपना सब जो त्यौहार है वो कीजिए। मतलब कोई इसमें ये संदेह नहीं होना चाहिए कि मेरे इस गलती से कोरोना हुआ क्या, ऐसा कोई संदेह मन में नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम रहेंगे तो निश्चित तौर पे बापा की कृपा हमारे ऊपर विघ्नहर्ता के रूप में हमेशा बनी रहेगी और सभी नई मुंबई वासियों को मैं इस गणेश उत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ। सर्व नागरिकांना व नवी मुंबईतील सर्व नागरिकांना गणेश उत्सवाच्या मी खूप खूप शुभेच्छा देते। हा गणेश उत्सव आपल्याला आरोग्यदायी जावो। गेले 2 वर्ष आपल्या देशावरती महाराष्ट्रावरती कोरोनाचं महाभयंकर संकट आहे आणि गेल्या वर्षी पण आपण हा उत्सव अगदी साधेपणाने व प्रशासनाचे नियम पाळून साजरा केला। यावर्षी आपण असाच साधेपणाने व प्रशासनाचे नियम पाळून साजरा करूया। गणपती बाप्पा हा विघ्नहर्ता आहे, तसेच आपल्या देशावर जे संकट आले ते लवकरात लवकर दूर व्हावे अशी मी गणपती बाप्पाचरणी प्रार्थना करेन।